राजस्थान में बजट पेश करने के बाद गहलोत सरकार अब मुसीबत में फंसती नजर आ रही है। दरअसल सभी विधायकों को राजस्थान सरकार ने बजट पेश होने के बाद आईफोन 13 की सौगात दी। बीजेपी विधायकों ने पहले तो ये आईफोन ले लिया, लेकिन शाम होते होते तक जब विवाद बढ़ा तब बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व ने सभी आईफोन लौटाने का फैसला किया और वजह ये बताई जा रही है कि राज्य सरकार पर इससे वित्तीय भार पड़ेगा। बजट पेश करने के बाद राजस्थान की गहलोत सरकार ने राजस्थान के सभी विधायकों को आईफोन 13 की सौगात दी है, जिसे सभी विधायकों ने बुधवार की दोपहर तक खुशी खुशी ले भी लिया, लेकिन शाम होते होते बीजेपी ने पार्टी विधायकों को मिले सभी आईफोन को लौटाने का फैसला ले लिया। बीजेपी की दलील थी कि इससे राजस्थान पर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा, इसलिए हम आईफोन लौटा रहे हैं। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने ट्वीट कर कहा, बीजेपी के सभी विधायक राज्य सरकार पर पड़ने वाले वित्तीय भार को देखते हुए उनको दिए गए सभी आईफोन वापस कर रहे हैं। दरअसल राजस्थान सरकार ने बजट पेश करने के बाद बजट की एक कॉपी विधायकों को दिए गए आईफोन में अपलोड करके दी थी। एप्पल का ये आईफोन 13 करीब 89,000 रुपए की लागत का है। बीजेपी विधायकों ने देर शाम तक सभी आईफोन वापस करने का फैसला लिया। सरकार पर पड़ने वाले वित्तीय भार की दलील भी दी गई। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को अपना चौथा बजट पेश कर अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी भी शुरू कर दी है। बजट के जरिए हर वर्ग को लुभाने के लिए 1,33,00,000 घरों में मुफ्त स्मार्टफोन, 3 साल के लिए नेट और 50 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया गया। युवाओं के लिए 1,00,000 नई नौकरियां देने के साथ ही चिरंजीवी योजना का दायरा 5 से बढ़ाकर 10,00,000 सालाना कर दिया गया है। हर विधानसभा क्षेत्र में सड़क के लिए 10-10 करोड़ की घोषणा की गई। वर्ष 2004 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए पुरानी पेंशन देने और 9 साल से लंबित कृषि कनेक्शन 2 साल में देने का वादा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।